ज़्यादा मध्य प्रदेश का बजट भी बहुत अच्छा बजट होगा, जनहित का बजट होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। और मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसमें मुझे लगता है कि जनता का अपार उत्साह और अपार भावना है पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति। क्या लगता है युवाओं के लिए ज़्यादा होगा बजट में, किसानों के लिए ज़्यादा होगा? अब ये कहना अभी नहीं ठीक है, बाकी समय पर सब लोग बताएंगे। केंद्र सरकार से जीएसटी की कुछ आ रही है, मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि समय समय पर हमको मध्य प्रदेश को जीएसटी की जो भी हमारी राशि है वो समय समय पर बराबर मिली है, और आगे भी हमको हमने आग्रह किया है वित्त मंत्री सीतारमन जी से हमने किया है, और निश्चित रूप से हमको मिलेंगे। कांग्रेस के बारे में तो मुझे लगता है कि चर्चा करने में कोई औचित्य नहीं है। जो भी निर्णय लेते हैं है? अब जो भी निर्णय होते हैं विधि सम्मत निर्णय होते हैं, और ये समय समय पर ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। अब होगी, अप्रैल से चालू होगी, और वो प्रक्रिया चल रही है, रोज समाचार पत्रों में भी आ रहा है, जैसे जैसे प्रक्रिया जिलों में होती है उसकी जानकारी सब सामने आती है। ठीक है, थैंक यू। कोई असर नहीं, लेश मात्र भी असर नहीं पड़ेगा। पार्टी 2023 की तैयारी तो पार्टी की हमेशा रहती है, हर समय तैयार है। चूंकि पार्टी का नेटवर्क नीचे तक है, गांव-गांव तक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी लक्ष्य रखा है पार्टी ने उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। सर, हाँ, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, अभी अलीराजपुर और डिंडोरी अभी दो हैं। जब उनके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी कि भाई कैसा रिस्पांस कैसा रहा है, फिर शुरू करेंगे। सर, आज से समर्पण नीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको भी जिम्मेदारी? जी 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 जी, बिल्कुल। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, और समर्पण निधि का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिया है। निश्चित रूप से पूरी पार्टी इस काम के लिए लगी है, हर गांव गांव पोलिंग तक जाकर के इस काम को करेंगे। निश्चित रूप से संगठन का ये काम है, और इसको बड़े मन से लोग करेंगे। कितना टारगेट रखा है? 15 तारीख से अभियान शुरू कर रही है, और पिछले वर्ग का कमलनाथ जी भी जाएंगे और उनको लेकर कार्यक्रम आएंगे, बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, और बिंद भी जा रहे हैं। बिंद में जो बीजेपी की ज्यादा सीटें आई थी उसमें कुछ सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस किसी को नहीं साध सकती, अब वो अपने आप को साध ले वही बहुत है, पूरा देश उनको जानता है, इस पार्टी को सब लोग जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में अब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता बहुत अच्छे से समझती है इस पार्टी को।